नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। आज हैं हम टीकमगढ़ के एक छोटी सी तहसील पर जो कि लिधौरा है, और यह जो फार्म मैं आपको दिखाने वाला हूं ये बहुत ही अच्छा फार्म हम कह सकते हैं, और सबसे कम बजट में बनाया है इसे। और एक किसान जो कि अशिक्षित होने के बावजूद भी इसने अपने गाँव के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है, और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए तो बिल्कुल मिसाल बनने वाले हैं, क्योंकि ये काम इन्होंने ये करके दिखाया है। बहुत दो बातें होती हैं, या तो लोग करके देखते हैं या देखकर करते हैं। इन्होंने पहले करके देखा है, तो ये सबसे ज़रूरी बात है इस वीडियो में मैं जो आज साझा करने वाला हूँ, कि ये जो छोटा सा शेड है इन्होंने किस तरीके से बनाया है। और जो हम पोल्ट्री यार्ड में अलग अलग बातें करते रहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए, तो जो 100-200 मुर्गे हैं उनको रखकर हम अपने घर के पीछे शुरू कर सकते हैं, तो ये जो मॉडल है उसमें बहुत अच्छे तरीके से फिट होता है, जिसमें 100-200 मुर्गियों का पालन हम आराम से अपने घर के पास ही कर सकते हैं, और कम से कम खर्चे पर इनको हम पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं चलिए आपको शेड दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने इसका निर्माण किया है, कितनी कॉस्ट आई है, और लगभग अगर आप अपने यहाँ पर करना चाहते हैं तो क्या खर्च लगने वाला है, साथ में अगर आप किस ब्रीड का पालन इसके साथ करना चाहते हैं तो आपको फ़ायदेमंद बनाएगा, आपका जो लागत है उसको वो डबल करेगा। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। पहले आप इनके शेड को देखते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं इनका ये जो शेड है, मैं डायमेंशन दिखाने की कोशिश करता हूं और इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि अगर आप अपने यहां पर भी करना चाहते हैं तो इस तरीके का निर्माण कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में इस तरीके के शेड जो हैं वो उपयोग में आते हैं, लिए जाते हैं। ये जो आपको चौड़ाई दिख रही है ये 10 फिट की है, 9 से 10 फिट की है, और जो इसकी लंबाई आप देखेंगे, ये आप पूरी इसकी लेंथ देखेंगे तो ये जो है इनकी 20 फिट की है, आप पूरा ये देख सकते हैं। एक बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म का शेड कुछ ऐसा होना चाहिए जो कम से कम खर्चे पर तैयार किया जा सके। मैं इसमें और जो लगने वाले चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप अंदर से देख सकते हैं। अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। ये देखिए, आप इस तरीके से इनको अपने यहाँ पर भी निर्माण कर सकते हैं, और साथ में अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से देखने मिलता है जो शेड इन्होंने निर्माण किया है, बनाया है। अब मैं इसमें लगने वाले जो एंगल हैं, सीट हैं, उनका खर्चा बताना चाहूँगा, जो सब मिलाकर इनका 20 से 22 हज़ार का खर्चा आया है। आप हाइट देख सकते हैं, इन्होंने 3.5 से 4 फिट की हाइट रखी हुई है, और जो टोटल शेड की है तो आप इस तरफ देख सकते हैं तो 5 से 5.5 फिट की हाइट है, जो एक आइडियल होती है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, और इस तरफ इन्होंने 4 से 4.5 या 5 फिट आप ले सकते हैं। तो उस तरफ अगर बेस से देखेंगे तो करीबन 5.5 से 6 फिट की हाइट है, और इस तरफ देखेंगे तो 4 से 4.5 फिट की हाइट है। और कुछ इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर जो चीज़ें उपयोग में ली जा सकती हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे ईंटें हैं, और इन्होंने अभी शुरुआत करी है तो बहुत आइडियल मुझे लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अंदर हम देखेंगे तो स्पेसियस भी है, काफ़ी स्पेस इन्होंने यहाँ पर भी दे रखा है, जैसे यहाँ पर मुर्गे जो हैं अंदर स्पेस अगर जो निकलती है तो हम अगर देखें तो 10x20 के में 200 स्क्वायर फिट मिलती है, और 200 स्क्वायर फिट में ये आराम से 100 से 150 मुर्गों का पालन कर रहे हैं अभी। और इनका जो सबसे पहला काम इन्होंने किया है कि कड़कनाथ के साथ काम करना शुरू किया है, और कड़कनाथ मुर्गी जो ऐसी होती है जो हर एक माहौल में आसानी से ढल जाती है ना। तो एक हम शेड की कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो इन्होंने लगाया हुआ है, तो एंगल लगे हुए हैं, सीट लगी हुई है, पर एक गलती इन्होंने की है वो मैं भी ये बताना चाहूँ, अगर आप अपने यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो इसको ध्यान में रखें। जो ये शेड इन्होंने बनाया है इसमें इन्होंने ये जो चद्दर उपयोग करी है ये इसको उपयोग ना करके आप जो एस्बेस्टस सीट आती है, सीमेंट की सीट जो आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो गर्मियों के समय पर है वो गर्म कम होगी, है ना, और ये जो है थोड़ी सी गर्म ज़्यादा हो जाती है तो हीट ज़्यादा हो जाएगी, तो जो थोड़ी सी नुकसान दे सकती है, परंतु ये अभी आने वाले टाइम पर इसका भी सुधार करने वाले हैं, बहुत जल्द इसमें भी अंतर आपको देखने मिलेगा। इसमें आसानी से आप 100 से 150 मुर्गियों का पालन कर सकते हैं। अब बाकी आठ मुर्गी फार्मिंग में सबसे अहम बात हो जाती है कि हम किस ब्रीड का चुनाव करें।
ये जो है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यहाँ के जो क्षेत्र में बहुत मात्रा में मुर्गी का जो पालन होता है, कुछ देसी मुर्गियाँ होती हैं, परंतु इन्होंने उससे लीग से हटकर काम किया और कड़कनाथ मुर्गी का पालन किया। कड़कनाथ मुर्गी जो है वो इसको कम से कम 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। ये अभी जिस तरीके से पालन कर रहे हैं, ये कह सकते हैं सेमी फ्री रेंज है। ये कुछ समय के लिए बाहर भी निकालते हैं, साथ में अपना जो पोल्ट्री का दाना होता है जो घर में बनाते हैं या बाहर से जो लेकर आते हैं, जो अपन उपयोग करते हैं, वो पोल्ट्री का दाना दे रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात हो जाती है इनके यहाँ पर रेट की, तो रेट बहुत अच्छा मिल रहा है इनको। एक मुर्गा जो 1 किलो साइज़ का होता है, इनके यहाँ पर आसानी से 500 से 700 रुपये के बीच में बिक जाता है। अभी ये काम इन्होंने स्टार्ट किया है और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक कृषक होते हुए, एक किसान होते हुए एक उदाहरण सेट किया है अपने एरिए में। ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पर नहीं होती थी। तो एक जो बिना पढ़ा लिखा जो युवा है और ये जो शिक्षित युवा भी है, अगर अपने यहाँ पर ये मार्केट का रिसर्च कर लेता है, जिस तरीके से इन्होंने ध्यान दिया कि यार लोग देसी पाल रहे हैं, लोग ब्रॉयलर पाल रहे हैं, और इन्होंने कड़कनाथ मुर्गी का पालन करना शुरू किया, तो कड़कनाथ ने इन्हें फ़ायदा दिया, इनके यहाँ पर इनकी पहचान बनाई। और पहचान के साथ साथ अब लोग पहले दूसरे के यहाँ पर जाते थे, पूछते हुए इस फार्म पर आते हैं कि यार हमें उस फार्म का कड़कनाथ चाहिए, क्योंकि जो फार्म है यहाँ पर किस तरीके से मुर्गा तैयार किया जाता है ये भी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहुँच रहे हैं। तो अगर आप भी अपने यहाँ पर छोटा मोटा पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं 100, 200 या 300 मुर्गियों के साथ, तो बिल्कुल इस तरीके का मॉडल अपने यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, कम लागत में सेट तैयार हो जाता है। सब कुछ ही कॉस्ट अगर हम देखें भी तो 20 से 25 हज़ार रुपये इन्होंने बताई है, और लगा भी लमसम इतना ही होगा। आप 5,000 या 7,000 ऊपर एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और एडवांस करना चाहें, इसकी हाइट अगर देना चाहें। हाइट मुझे थोड़ी सी कम लगी और जो थोड़ी सी बेस की जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम लगी, परंतु बैकयार्ड के लिए चलता है, क्योंकि इसमें बैकयार्ड में आपको ज़्यादातर जो मुर्गियाँ हैं वो बाहर रखते हैं आप, है ना, और जब शाम को मुर्गियाँ लेकर आते हैं इस एड के अंदर, तो रात में रुकने की जगह है ये, और रात में रुकने के समय पर स्थान पर आपको बंद करके रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप छोटा सा फार्म बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, कम लागत में तैयार होता है और आप बिल्कुल बैकयार्ड मुर्गी पालन करके भी अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, काम करके सीखना होता है, इन्होंने करके देखा है, आज लोग इनको करके देख रहे हैं और करते करते फिर इन्होंने सीखा है, आप ये कह सकते हैं। तो अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और इसे थोड़ा सा इससे लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके के मॉडल से अपने यहाँ पर भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप टीकमगढ़ से या छतरपुर से या पन्ना से बिलोंग करते हैं, जो टीकमगढ़ के आसपास का रीजन है, बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।